हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2018 के न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ ए बी सी सच दैट इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एच एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच इंटू ए एफ जीरो प्लस बी एफ एच बाई थ्री प्लस सी एफ एच इज एग्जैक्ट फॉर पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ डिग्री एज हाई एज पॉसिबल आर। इनमें से हमें ये बताना है कि ए बी सी की कौन सी वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगी। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी दो क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस किए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमें गिवन इक्वेशन है, देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स को कंसिडर करते हैं 1। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एच 1 डॉट डी एक्स इज इक्वल टू एच इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि इनमें वैल्यू रखेंगे एफ एक्स की 1। तो देखो एफ, ये जो एफ एक्स है कॉन्स्टेंट पॉलीनोमियल है, तो कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 1 ही रहेगी। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी एच इंटू ए प्लस बी प्लस सी। फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से लिमिट अप्लाई करने के बाद में वैल्यू क्या आएगी, एच। तो एच इक्वल टू एच इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिलेशन आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम एक और रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। फिर दोनों तीनों इक्वेशन से हम देख लेंगे कि हमारे ऑप्शन कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम एफ एक्स को एक्स कंसिडर करते हैं। फिर इसके अंदर इक्वेशन फर्स्ट के अंदर एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एच एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच इंटू एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ जीरो इक्वल टू 0 आ जाएगा और एफ एच बाई थ्री इक्वल टू एच बाई थ्री एंड एफ एच इक्वल टू एच। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू लिमिट 0 टू एच इज इक्वल टू एच इंटू बी एच बाई थ्री प्लस सी एच। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू बी बाई थ्री प्लस सी। फिर 1 अपॉन टू इज इक्वल टू बी प्लस थ्री सी अपॉन थ्री। तो इससे हमें क्या मिलेगा, बी प्लस थ्री सी इक्वल टू थ्री बाई टू, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से हम हमारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे हम। तो देखो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें देखो ये वैल्यूज़ है ए बी सी की, हमारे पास ये वैल्यूज़ है। तो ये वैल्यूज़ जो भी इनमें से इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी वो हमारी जो हमारा आंसर होगा वो। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट में देखें तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, 1 आएगा। 2 बी प्लस 6 सी क्या आना चाहिए हमारे पास, यहाँ से 2 बी प्लस 6 सी इज इक्वल टू 3। तो 2 बी प्लस 6 सी यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ऑप्शन 1 से, तो वैल्यू यहाँ से भी 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन 1 तो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 4 और 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 6। तो ये तो 1 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से हमारा ये ऑप्शन इनकरेक्ट। इसमें भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, इसमें ये तो 1 के इक्वल आएगा। देखो फर्स्ट करेक्ट किया, सेकेंड एंड थर्ड इनकरेक्ट हुए, और जो फोर्थ है उसके अंदर ए प्लस बी प्लस सी तो आ जाएगा हमारे पास 1, बट सेकेंड कंडीशन क्या है हमारे पास, 2 बी प्लस 6 सी। तो यहाँ से अगर हम 2 बी प्लस 6 सी करेंगे, 2 इंटू 1 बाई 4 प्लस 6 इंटू 3 बाई 4, तो वो 3 के इक्वल नहीं आएगा यहाँ से हमारे पास, जबकि आना क्या चाहिए 2 बी प्लस 6 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, और यहाँ से हमारे पास वो 3 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा और बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।